हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पुष्पिता एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। शादी के बाद तो लाइफ में चेंजेस आने ही हैं और इस चेंज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका घर। तो हाउस को होम बनाने के इस जर्नी में आज हम करेंगे कुछ चीज़ों को रीडेकोरेट एंड रीऑर्गेनाइज। घर का सबसे इम्पॉर्टेंट रूम है किचन और हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। खाने के साथ साथ लाइफ में भी अलग अलग स्पाइसेस तो ज़रूरी है। मैंने भी एक क्यूट सा स्पाइस बॉक्स ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से और इसमें हम अपने सारे स्पाइसेस को रखेंगे। हम लड़कियों का फॉरएवर स्ट्रगल रहता है अपने एक्सेसरीज एंड एवरीडे कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज रखना। तो मैंने भी एक ज्वेलरी एंड ऑर्गेनाइजर बॉक्स ऑर्डर किया टू कीप ऑल माय स्टफ ऑर्गेनाइज्ड। दिन का मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड करते हैं अपने लिविंग रूम पे और मैंने भी अपने लिविंग रूम को किया थोड़ा सा रीडेकोरेट। सबसे पहले कुछ नाइस लुकिंग फ्लावर्स इस वास में जो कि हमारे टीवी यूनिट पे जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने रखा क्यूट से गणपति बप्पा को और कुछ सेंटेड कैंडल्स और यहाँ पे क्यूट सा यूकुलेले। कॉफी टेबल पे मैंने यूज किया कुछ सेंटेड पॉट पोरी और एक एरोमा डिफ्यूजर। इस प्रोसेस में मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया कुछ वॉल हैंगिंग्स के लिए ड्रिल करने में। खाना टेस्टी हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है, बट खाने के साथ साथ डाइनिंग टेबल भी तो देखने में अच्छा होना चाहिए कि नहीं। तो डाइनिंग टेबल पे मैंने लगाया एक नया टेबल रनर और कुछ टेबल एक्सेसरीज। वर्क फ्रॉम होम के चलते माय हस्बैंड आल्सो नीड्स ए प्रॉपर प्लेस जहाँ पे वो बैठ के सारा दिन काम कर सके। तो हमने ऑर्डर किया एक ऑफिस टेबल जिसको हमने बिल्कुल मिनिमल स्टाइल में सेट किया विद ए स्मॉल प्लांट, एक कोस्टर और बाकी के टेबल एक्सेसरीज के साथ। और रूम के एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखने के लिए यहाँ पे मैंने रखा है एक स्नेक प्लांट। अपने घर को मैं धीरे धीरे अरेंज करती रहूँगी। फिलहाल तो लेते हैं एक पिज़्ज़ा ब्रेक और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।